तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बड़ी जानकारी का। बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन समेत 9 देशों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और इसके साथ ही 4 दिन में 9 देशों तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। इसका खतरा लगातार विश्व में बना हुआ है। दुनिया में ओमिक्रॉन के अब तक 91 केसेस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है और इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। डेल्टा वेरिएंट उतना ही खतरनाक बताया जा रहा है। ब्रिटेन समेत 9 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, खतरा बढ़ता नजर आ रहा है और इसके साथ ही 4 दिन में 9 देशों तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। ये नया वेरिएंट है कोरोना का। दुनिया में ओमिक्रॉन के अब तक 91 केसेस सामने आ चुके हैं और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट की तरह है, ये भी खतरनाक माना जा रहा है और अब ये पूरे विश्व के लिए टेंशन बना हुआ है। 4 दिन में 9 देशों तक ओमिक्रॉन वायरस पहुंच चुका है। इसको देखते हुए WHO ने अलर्ट किया है, आदेश दिए हैं कि सुरक्षा बढ़ती जाए, सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और ब्रिटेन समेत 9 देशों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। इसको लेकर के WHO ने भी विश्व भर को चेताया है, सभी देशों को निर्देशित किया है कि सभी नियमों का पालन करें। कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है, वो है कि सख्ती से सभी नियमों का पालन किया जाए। ओमिक्रॉन का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे B11529 नाम दिया है। ऐसे में स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेंट हो रहा है। ये वायरस का मुकुट वाला हिस्सा स्पाइक प्रोटीन कहलाता है। कोरोना फैमिली का ये नया मेंबर है। WHO ने इसे मेंबर ऑफ कंसर्न कहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, लेकिन इसके साथ ही इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। और जिस तरीके से स्पाइक प्रोटीन पर ये 3 बार म्यूटेंट हो रहा है, इसके साथ ही कुल केसेस भी बढ़ रहे हैं और 91 केसेस सामने आ चुके हैं कुल मिलाकर। अभी विश्व भर से ब्रिटेन समेत 9 देशों तक ओमिक्रॉन पहुंच गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।